नमस्कार भाइयों बहनों मित्रों, कल शाम को पटना के एसएसपी एक ढिल्लो साहब है, उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया कि मुझे लगा कि मुझे इसकी कुछ स्पष्टता उनको देनी चाहिए। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। उन्होंने कहा कि पीएफआई वाले उसी तरह लाठी की ट्रेनिंग करते हैं जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग करते हैं। इसके आगे उनको भी ध्यान में आया नहीं। तो एक सतही समझ एक इतने पढ़े लिखे पुलिस अफसर के लिए बड़ी विचित्र है, जो कि उसके पीछे की मानसिकता और विचार नहीं देख रहा। पीएफआई की क्या सोच है और संघ की क्या सोच है, इस पर थोड़े से मैं बात करूंगा। पीएफआई की सोच है इस्लाम का जिहादी रूप, जिसके अंतर्गत आपको दारुल हर्ब की जगह दारुल इस्लाम यानी दुश्मन की देश की जगह अपना एक इस्लामी देश बनाना है, जहाँ पर आपका विचार चले। विचार लेके पीएफआई के लोग चलते हैं। उनके लिए एक ही अल्लाह है और कोई नहीं है, एक ही प्रॉफिट है और कोई नहीं है। उनके विश्वास जो करें वो मोमिन है, भक्त है। जो नहीं करते वो बिलीवर है, जो नहीं करते वो नॉन बिलीवर है, काफिर है। और जो काफिर है उनको समान अधिकार नहीं मिल सकते। इनका पीएफआई का वो सिद्धांत है कि विश्व में एक ही अल्लाह है और उसी की हुकूमत चलेगी, सारा विश्व जो है झंडे के नीचे आना चाहिए। जो नहीं आता वो रालीब चालीब है गालिब, यानी वो धर्म परिवर्तन का अपना परिवर्तन करे, या वो मर जाए या मारा जाए या वो छोड़ के चला जाए, भी सारा विश्व एक ही हो जाएगा उनके इस्लाम के झंडे के नीचे, तो छोड़ के जाएंगे कहाँ। तो ऐसे कुछ लोगों के लिए छूट है कि वो धिम्मी बन के रह सकते हैं, जजिया कर भरें, दुय्यम दर्जे के सेकेंडरी दर्जे के नागरिक बन के रहें और अपने आप को उनसे नीचा समझ के जितना जीवन यापन करें कर सकें। ये उनकी सोच है। इनके लिए जो युद्ध करता है उसके अंदर, चाहे वो बच्चा हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, औरतें हो, सारी माले गनीमत है, यानी उन पर आपका हक है, लूटने का हक है और हर प्रकार का व्यवहार करने का हक है। और उसके बाद में अगर आपको आपका राज आता है तो बाकी का मैंने बता ही दिया क्या क्या करना है। अभी इसके विरुद्ध हम सोचें कि हिंदुत्व का क्या विचार है, तो आरएसएस का हिंदुत्व का क्या विचार है। एकम सत्य विप्र बहुधा वदन्ति, एक सत्य है उसको जो विद्वान लोग अलग 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 तरीके से देखते हैं। धर्म पंथ और ये सारे विचार जो है नित्य नए नए हो सकते हैं, नए विचार रखे जा सकते हैं, ये संभव है। जो करते हैं उनका स्वागत है और समाज के अंदर उनको स्थान मिलेगा, क्योंकि समाज और विचार सदैव गतिमान है, कहीं रुके नहीं, फ्रोजन नहीं है। उनके पास ना तो काफी कल्पना है ना उसके अंदर, तो ऐसी काफी कल्पना नहीं है कि नास्तिक व्यक्ति भी काफिर नहीं हो सकता। सभी को जीने का हक है। सर्वे संतु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, यानी सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, यह ऐसा एक मंत्र है हिंदुत्व का, हिंदू धर्म का। और हमने सभी को शरण दी है, हर व्यस्तताई व्यक्ति को शरण दी है, हमारे लिए हर व्यक्ति को जीने का हक है। और जो युद्ध में होगा वो युद्ध स्थल पर रहेगा और वहां के उस जहां युद्ध हो रहा है वहां के नागरिक, महिलाएं, बच्चे सारे सुरक्षित रहेंगे। उनको किसी भी प्रकार का अपमान नहीं किया जाएगा, उनका इज्जत से रखा जाएगा। ये तो हो गई इसकी बात। अभी इस्लाम में तो कई फिरके हैं। अभी ये हाल है कि ये जो खुद को जिहादी कहते हैं, सुन्नी को शिया मंजूर नहीं है, शिया को सुन्नी मंजूर नहीं है, एक दूसरे की मस्जिद में भी नहीं जाते। भारत में भी कई पंथ हैं, हिंदुत्व में कई पंथ हैं, लेकिन सभी वाद विवाद कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उनका ये नहीं है कि जीने का, एक को दूसरे को मार डालो, खून की नदियां बहा दो, ये भी नहीं है। इस्लाम के अंदर ब्लास्फमी, ईश निंदा का प्रावधान है। उसके लिए क्या क्या हो सकता है वो तो हम अभी पिछले दिनों बहुत देख ही रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। हिंदू में तो ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कोई करेगा, अगर निंदा करेगा, कोई तंग करेगा, अपमान करेगा, तो हम तो केवल कोर्ट का सहारा लेंगे। हमारे लिए संविधान ऊपर है और पीएफआई के सारे जो उनके पीछे के लगे हुए विचार है उनके लिए शरिया पहले है, ये हम जानते हैं। पीएफआई ने दुनिया भर से मदद ली है, दुनिया भर को मानवों की मदद दी है, टेररिस्ट भेजे हैं। संघ ने क्या किया? संघ ने ना तो कहीं से बाहर से मदद मांगी, ना बाहर से कुछ संबंध रखा। इसी देश के लिए जीते हैं, इसी देश के लिए मरते हैं। तो यह जो एक राष्ट्र का एक प्रेम है, संघ के लोगों का, हिंदुत्व का जो प्रेम है, यह राष्ट्र मेरा सर्वे सर्वा है, नेशन फर्स्ट, इसके विरुद्ध पीएफआई का नेशन लास्ट और इनका उम्मा फर्स्ट। तो इस प्रकार की कुछ बातें हैं, बहुत कुछ कही जा सकती है। मैंने सोचा एक छोटी सी बात समझा दूं एसएसपी साहब को, हो सकता है यूट्यूब उन तक पहुंचे और कुछ समझने की कोशिश करें। धन्यवाद। नमस्कार।